हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतुल महाजन एंड आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जोड़ों में से जो ये कट 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 की आवाज़ आती है, जो ये क्रैकिंग पॉपिंग साउंड्स आती हैं, क्या वो कुछ परेशानी का विषय है या उसके लिए कुछ करना है या वो हार्मलेस होते हैं। यस, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली आप सब लोगों ने अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। हमारे जोड़ों में से आवाज़ें आना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या वो प्रॉब्लम है या क्या वो आपके शरीर को कोई नुकसान कर रही है उसके से या उससे घबराने की कोई ज़रूरत है या नहीं। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको जोड़ों में से आवाज़ें आ सकती हैं और कौन से ऐसे कारण हैं जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज जितना आप लेट सबमिट करते हैं ऐसी दिक्कतों में, कभी कभी वो प्रॉब्लम्स लाइफ लॉन्ग भी आपको दिक्कत कर सकती हैं। सो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप अपने किसी जॉइंट की जब मूवमेंट सडन मूवमेंट करते हैं, जैसे आपकी गर्दन की मूवमेंट कभी भी अगर करेंगे तो आपको गर्दन में से आवाज़ें आएंगी, या जब आप बहुत देर तक बैठे हैं और आप बैठ के चलने के लिए उठते हैं तो आपको घुटने में से आवाज़ें आएंगी। टखना, आपके जो एंकल है अगर आप उसको मूवमेंट कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, कभी कभी टखने में से आवाज़ें आएंगी। या इन जनरल हम लोगों की बहुत बार आदत होती है कि हम अपने हाथों में से इस तरह से नकल्स को स्ट्रेच करते हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि कड़ाके निकालना या पटाखे निकालना। जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, जितने भी आपके जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं ग्रीस है। अब इस साइनोवियल फ्लूइड के अंदर यूजुअली कुछ गैसेस डिसॉल्व होती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज होती हैं, और ये बबल्स की फॉर्म में होता है। जब आप अपने जोड़ों में कोई सडन मूवमेंट करते हैं, चाहे वो नकल्स को ऐसे स्ट्रेच करना है, चाहे वो आप अपनी गर्दन को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, और ऐसा कोई भी जोड़ जिसके अंदर एकदम से सडन मूवमेंट होगी, तो वहाँ पे वो जो बबल्स होते हैं जिसके अंदर गैस होती है वो बर्स्ट हो जाते हैं और वहाँ से वो गैस रिलीज होती है और वो आपको सुनाई देती है आवाज़ों की तरह। तो ये जो आवाज़ें हैं ये यूजुअली हार्मलेस होती हैं। अगर किसी भी जोड़ों के अंदर जो आवाज़ आ रही है वो पेनलेस है, उसके साथ कोई भी स्वेलिंग नहीं है, कोई भी लालगी या इस तरह की कोई दर्द आपको नहीं हो रहा, दे आर यूजुअली हार्मलेस। पर लोगों को इसमें ये डाउट होता है कि जो लोग भी अपने नकल्स के अंदर पटाखे ज़्यादा निकालते हैं, इस तरह के जॉइंट्स में से आवाज़ें निकालते हैं, क्या ये आर्थराइटिस तो नहीं कर देता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टडीज़ की गई हैं इसके ऊपर और स्टडीज़ के हिसाब से कभी भी इन आवाज़ों की वजह से फ्यूचर में आपको आर्थराइटिस का खतरा नहीं है। तो फिर ऐसे कौन सी साउंड्स हैं, ऐसे कौन से क्रैकिंग पॉपिंग साउंड्स हैं जो आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, घुटने के अंदर से आवाज़ें आना, और जैसे जैसे एज बढ़ती है घुटने के अंदर आपका जो जो बोन्स हैं, जो आपके जो जॉइंट के अंदर जो बोन्स हैं, वो बोन्स के ऊपर एक कवर होता है जिसको कहते हैं कार्टिलेज। एज के साथ साथ ये कार्टिलेज यूजुअली घिसना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है, और जब कार्टिलेज खत्म हो जाता है तो आपकी जो बोन्स हैं, जो बेयर बोन्स हैं जिनके ऊपर अब जो ये कवर नहीं रहा, ये दो हड्डियाँ आपस में धीरे धीरे रब करना शुरू कर देती हैं, और ये बहुत ही यूनिक सी साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हमारी भाषा में कहते हैं क्रेपिटस। ये बहुत ही मधम मधम सी आवाज़ होती है। ये तभी आएगी जब आप अपने घुटने को चलाएंगे। उसको चेक करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि आप अपना हाथ, अपनी पाम अपने घुटने के ऊपर रखें, आप अपना घुटना सीधा और मुड़िए, और आप चेक करिए कि क्या आपको घुटने में से ऐसी कोई भी आवाज़ फील हो रही है क्या। इस साउंड को क्रेपिटस कहते हैं और ये यूजुअली इंडिकेशन होता है कि आपका घुटना घिस रहा है। अब इस तरह की साउंड को यूजुअली नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये पहला इंडिकेशन भी हो सकता है कि आपके घुटने में आर्थराइटिस की शुरुआत हो गई है, और अगर आर्थराइटिस शुरू हो गया है तो धीरे धीरे वो घुटना ज़्यादा खराब हो जाएगा अगर आप इसके अंदर प्रॉपर एडवाइस नहीं लेंगे। तो इस तरह के पेशेंट्स में अगर आपको इस तरह की साउंड सुनाई देती हैं तो आपको अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेगा, एक्सरेस कराएगा, और उसके हिसाब से जितने भी नुकसान होता है, जितना भी डैमेज होता है, उसके हिसाब से आपको मेडिकेशंस एडवाइस कर दी जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट कारण है, इस वाली साउंड को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण होता है, जो भी पेशेंट रेपिटेटिव मोशन करते हैं
उनके अंदर भी इस तरह की साउंड्स बहुत बार सुनने को मिलती हैं। तो काफी बार जो एथलीट्स होते हैं रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप जिम जाते हैं या आप किसी तरह का योगा करते हैं और आप वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो आपको कभी कभी क्या फील होगा कि आपके ना किसी जोड़ में से कुछ आवाजें इस तरह से आपको आ रही हैं। निशानी है बेसिकली टाइट मसल्स की, और ये आपको ये बता रहा है कि आपकी जो मसल्स हैं उस जोड़ के आसपास वो काफी टाइट हो गई हैं और आप एक्सरसाइजेस एक्सेसिवली कर रहे हो, आप एक्सरसाइजेस ज्यादा कर रहे हो। तो आपके गर्दन में से कभी कभी ऐसी आवाजें आना, कमर से आवाजें आना, नीज में से या एल्बोज में से इस तरह की आवाजें आना आपको ये बता रहा है कि आपकी जो एक्सरसाइजेस की जो कैपेसिटी है वो आपने इंक्रीज कर रखी है, बट आपकी मसल्स वो एक्सरसाइजेस हैंडल नहीं कर पा रही हैं। और उसमें सिंपल सा एक सोल्यूशन होता है कि एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा रेगुलराइज करिए, थोड़ा सा टेपर डाउन करिए, और एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले आप थोड़े से स्ट्रेचेस करिए ताकि आपकी जो मसल्स टाइट हो गई हैं वो मसल्स थोड़ी सी लूजन अप हो जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है टेंडिनाइटिस का। तो जो भी आपके बॉडी के टेंडन्स हैं, चाहे वो आपके टेनिस एल्बो हो रहा है आपको, यानी कि आपके जो एल्बो के टेंडन्स हैं, जो एल्बो में टेंडन्स क्या होता है, टेंडन्स बेसिकली आपकी जो मसल्स हैं जहाँ पे आपकी हड्डी पे अटैच होते हैं उस पार्ट को टेंडन कहते हैं। तो अगेन अगर आपको कभी एल्बो के अंदर पेन हो रहा है, एल्बो टेनिस एल्बो है उसके अंदर आपको आवाज़ें आ सकती हैं, अगर आपके नी के टेंडन्स पटेला टेंडन सूज गए हैं वो कभी कभी आवाज़ कर सकता है, आपके एंकल के आसपास के टेंडन में कोई सूजन अकड़न आ गई है तो वो भी आवाज़ कर सकता है। और अगेन ये प्रॉब्लम भी आपको ये बताता है कि आपके बॉडी के जो टेंडन्स हैं उस पार्ट के जो टेंडन्स हैं वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा है, वहाँ पे सूजन खिंचाव आ रहा है। यूजुअली इसके साथ आपको सूजन भी होगी, लालगी भी होगी, दर्द भी होगा, पैरों की मूवमेंट या हाथों के मूवमेंट करने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी। सीरियसली लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर एक बार उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए। कोई भी साउंड जो आपको ट्रॉमा के बाद होती है, आप कुछ काम करते करते गिर गए और आपने टक करके आवाज़ सुनी, या कुछ काम करते करते आपका हाथ या पैर मुड़ गया और उसमें आपको टक करके आवाज़ आती है और उसके बाद आपको आपका जो पेन स्वेलिंग है वो एकदम से आ जाए, अनबियरेबल पेन है, आप हाथ को या पैर को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, पैर पे वेट नहीं ले रहे, हाथ कुछ पकड़ नहीं पा रहा है, सूजन आ गई है, लालगी आ गई है, ये यूजुअली सिग्निफाई करता है कि वो जो साउंड थी शायद उसकी वजह से या तो आपको हड्डी में क्रैक आ गया है, फ्रैक्चर हो गया है, या कभी कभी वहाँ पे मसल्स के अंदर इंजरी हो जाती है, मसल टेयर्स हो जाते हैं। अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है जिसमें आपको अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को अर्जेंट इमरजेंसी में कंसल्ट करना चाहिए। आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है जिसमें आपको मैंने आज ये बताया है कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे आपको जोड़ों में आवाज़ आ सकती है। हर आवाज़ हार्मफुल नहीं है लेकिन हर आवाज़ हार्मलेस भी नहीं है। तो आपको आपके जिस तरह की जो दिक्कत होती है उसमें करेक्ट जब तक आप पता नहीं लगाएंगे उसका इलाज कभी नहीं हो पाएगा। मोशन इज लोशन, मोशन ही आपका लोशन है। तो अगर आप एक्टिव रहेंगे कहीं ना कहीं आपके जो जॉइंट्स के जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है वो ढंग से आपके जॉइंट्स में रचता रहेगा और आपको इस तरह की दिक्कतें कम आएंगी। सो आई रियली होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा गिव इट अ थम्स अप, शेयर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ एंड डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सो दैट हम लोग इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ क्रिएट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।